वेलकम टू माय ब्लॉग। आई एम भाविका चौधरी। जिन जिन लोग को नहीं पता है, मैं नॉर्मल डेली ब्लॉग्स बनाती हूँ। और आज का अपडेट ये है कि मैं सुबह फ्रेशन अप हुई, नहाई धोई, ब्रेकफास्ट किया एंड नाउ इट्स टाइम फॉर माय ऑडिशन। मेरे को एक ऑडिशन आया है, तो मैं पूरे सुबह से अभी स्क्रिप्ट ही प्रिपेयर कर रही थी। अब मैं फाइनली रेडी होके ऑडिशन बनाने जा रही हूँ। सो यार, अभी तक इतनी ही अपडेट है। और पहले ऑडिशन बनाऊँगी, उसके बाद लंच करूँगी, ऐसा सीन है। तो या सी यू आफ्टर ऑडिशन। उप्स, फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग गाइज, ऑडिशन भी मैं आई थिंक आफ्टर वन वीक बना रही हूँ। मुझे बीच में ऑडिशंस नहीं आ रहे थे और आ रहे थे तो मैं स्किप करी थी, बिकॉज मेरे घर में इतने सारे गेस्ट थे, तो वो पॉसिबल नहीं होता है कि मैं ऐसे इतने सारे गेस्ट के बीच में अलग से टाइम निकाल के, तो वो काफ़ी रूड वे में लगता है। तो इसलिए आज फाइनली आया है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ ऑडिशन के लिए कि मतलब इतने दिनों बाद मतलब कोई कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिल रहा है। और जितनी मैंने टेक्निक सीखी है, मैंने आपको बताया था कि मैंने कभी लॉकडाउन के टाइम पे मैंने एक कोर्स किया था, तो अब मैं वो टेक्निक्स अप्लाई करके वो ऑडिशन बना के देखती हूँ और ऑडिशन के बाद आपको बताती हूँ कि मुझे कैसा एक्सपीरियंस हुआ, वो टेक्निक्स काम आई कि नहीं आई। और जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे हेल्प किया था रिगार्डिंग ऑडिशंस, कैसे बनाते हैं, कैसे स्क्रिप्ट लर्न करनी चाहिए, सो वो सब चीज़ें भी हैं, तो देखती हूँ कि वो वर्क करता है कि नहीं करता है। सो ऑल द बेस्ट भाविका। अच्छा, ओके गाइस, सो आई एम रेडी, ऑल सेट फॉर ऑडिशन। तो ऑडिशन बनाती हूँ और जोन में रहती हूँ। ऊपर तो लाइट भी चली गई थी और फिर आई थिंक 15-20 मिनट्स लगे लाइट आने में, और मुझे इतनी स्वेटिंग हो गई थी, और स्वेटिंग और एक्ट करना, इट्स लाइक फॉर मी इट्स इम्पॉसिबल। लाइक ऐसे जैसे पसीना बोता रहता है तो बहुत इरिटेशन और डिस्ट्रैक्शन होती है। तो बट हाँ, बना लिया, लेट्स सी क्या बोलता है, देखते हैं। ओके, सो वापस शूट करना है। स्टार्टिंग का थोड़ा है, थोड़ा बेसी हो गया है, तो वापस शूट करने जा रही हूँ क्योंकि कुछ चेंजेस आ गए हैं। सो आई थिंक आई एम डन फॉर टुडे। अभी मैंने उसे भेजा है अपने फ्रेंड को, आई थिंक वो अप्रूव कर देगा उसे, बिकॉज दैट वॉज माई लास्ट टेक। आई मीन जो उसने मुझे थोड़ा बताया था, मैंने वो ठीक करके भेज दिया। और मैंने अपना लास्ट मील लिया था अराउंड 12 o'clock, सो फर्स्ट मील वो था। अब बज रहे हैं 11:05, सो आई थिंक मुझे अब सेकेंड मील ले लेना चाहिए। और फिर मुझे आज मैंने सुबह वर्कआउट भी नहीं किया बिकॉज मैं बहुत ऐसे आलस में उठी थी। सो मैं जा रही हूँ अब खाना खाने, लाइक फाइनली। और मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक भी की है इस आउटफिट में, और मैं पोस्ट करूँगी। सो लंच हो गया है, और लंच में ज़्यादा नहीं खाया, लेकिन कम खाया तो वो भी ज़्यादा ही लग रहा है। और अब मुझे देखना है कि मैं क्या करूँ। वैसे नींद सी आ रही है, और बट मैं सोऊंगी नहीं, ये मैं हर दिन कहती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सो जाती हूँ, बट आज तो पक्का नहीं सोऊंगी बिकॉज इट्स ऑलरेडी लेट। टाइम हो रहा है 5:38, और अभी 6 बज जाएंगे। फिर वॉक का देखना है कि नहीं, वैसे मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, मेरा थोड़ा नी का इशू चल रहा है। तो आप लोग को लगता होगा ना कि हर दिन कुछ ना कुछ इशू ही चल रहे हैं। कल भी मुझे कुछ हो रहा था, आज भी मुझे कुछ हो रहा है। वैसे आज कुछ हो तो नहीं रहा है, लेकिन मेरी नीज एक्चुअली, मैं बहुत एक मैं आपको चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी गाइस, अगर आप जिम में कभी भी स्क्वाट्स मारते हैं या ट्रेडमिल पर रनिंग करते हैं, तो ज़्यादा ट्रेडमिल पर रनिंग भी मत करना। स्क्वाट्स मारते समय हमेशा अपने नी पैड्स पहनना, बिकॉज मैंने इतने वेट्स उठाए हैं विदाउट नी पैड्स, और मेरे भी नी बचते हैं। अगर मैं उसको ऐसे 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 कुछ करूँगी ना, ये बचता है, ऐसे टक टक आवाज़ आती है। सो प्लीज़, मेरे तो ख़राब हो गए हैं, मतलब सॉरी, ख़राब नहीं हुए, मैं अभी ठीक हो जाएंगे, बट मेरे इशू आ गए हैं। मतलब मैं नहीं चाहती कि किसी और को भी आए। तो प्लीज़, अगर आप वर्कआउट करते हैं, अगर आप सड़क पे रनिंग करते हैं और खेलते हैं, सड़क पे भागते हैं, तो प्लीज़ अपने नी पैड्स पहनिए, वरना आपके सीधे नीज पर असर पड़ेगा उस चीज़ से लेके, आपकी बोन वीक होगी। तो बस सो मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि आप स्क्रिप्ट कैसे लर्न करते हो और आपकी टेक्निक क्या है। जब मैंने पहले ऑडिशन बनाया था तो उसमें आए थे, तो मैं आज बताना चाहती हूँ गाइस। जैसे मेरे पास ये स्क्रिप्ट आ रखी है, ठीक है, तो अब मैं इसे लर्न कैसे करती हूँ। मैं इस स्क्रिप्ट को ऊपर से नीचे तक एटलीस्ट 10 times और मोर देन 10 times पढ़ती हूँ लगातार, विदाउट एक्टिंग। ओके,
नॉर्मल, जैसे और कैसा रहा दिन, वेटिंग मतलब और कैसा रहा दिन, खैर तुम्हारा दिन कैसा रहा होगा, मतलब ऐसे सेम पिच में पढ़ती रहती हूँ. और जब वो 10-11 बार मैं ऑलरेडी रीड कर लेती हूँ उस लाइन्स को, तो ऑलरेडी मेरे दिमाग में सेट हो जाता है. फिर मैं कैरेक्टर प्रोसेस करती हूँ कि मतलब मैं कैसे इसकी शुरुआत करूँगी, मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, अगर इस लड़की ने ऐसा बोला है तो ये क्यों बोला है, और अगर ये ऐसा बोल रही तो ये क्या करेगी, और अगर ये ऐसा करेगी तो ऐसा क्यों करेगी. तो ये सब चीज़ें मैं प्रोसेस करती हूँ माइंड में. एंड देन बेसिकली फर्स्ट आपको यही करना, अगर आप एक्टिंग और अगर स्क्रिप्ट लर्न करनी है, तो फर्स्टली आपको वो स्क्रिप्ट 10 to 11 मोर देन 10 टाइम्स पढ़नी है. लाइक बार बार पढ़ते जाओ पढ़ते, वो स्क्रिप्ट आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगी. यू नो वो ऑलरेडी जब आप लाइंस खुद एक्ट करेंगे तो वो आपके ऐसे ऐसे माइंड में चल लेंगी खुद. मतलब ऐसा होता है ना हमारे साथ कि लाइन लर्न करते हैं भूल जाते हैं, लर्न करते हैं भूल जाते हैं. इट्स लाइक इतनी बार पढ़ लिया एक चीज़ को वो रट जाती है, वो रट गई और फिर वो खुद ब खुद इमोशंस के साथ बाहर निकलती है. तो मेरा सीन ये है लर्न करने का स्क्रिप्ट. और आप ट्राई करके देखो अगर आप इनटू एक्टिंग में. और स्क्रिप्ट आपको कहाँ से चाहिए? स्क्रिप्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी. किसी भी अगर आपको कोई सीन प्रिपेयर करना है, आलिया का, दीपिका पादुकोण का, किसी का भी स्क्रिप्ट निकालिए, उन लाइन्स को 10 से ज़्यादा टाइम पढ़िए जब तक आपको एटलीस्ट समझ नहीं आ जाता कि उसमें हो क्या रहा है, और उसके बाद फिर कैमरा निकल के सामने परफॉर्म कीजिए, हो जाएगा. मतलब मैं भी अभी खुद उस प्रोसेस में हूँ, मेरा भी इतने अच्छे से नहीं हो पाता अभी भी. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि अच्छे से हो जाए, क्योंकि मैंने कोई एक्टिंग क्लासेस नहीं ली है. मैं जितना भी सीख रही हूँ काम कर करके सीख रही हूँ, तो करके देखो ये हेल्प करेगा. ओके, काम कर करके तो सीख रही हूँ, बट मेरे फ्रेंड्स, मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो मुझे यू नो समझाता है, सिखाता है, बताता है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं. तो या फ्रेंड्स, यू नो आपका सर्कल भी आपकी हेल्प करता है, तो ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो आपकी हेल्प करें, जो आपको सिखाएं समझाएं. ठीक है. सो गाइस, हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, और मैं अपने लेंस भी चेक करवा के लाऊंगी वापस. आई थिंक उनको इशू आ गया है और मेरी आईज़ में वापस ये रेडनेस होनी स्टार्ट हो गई है. आई थिंक लेंसेज का ही लोचा है. सिल्क लेंस पहले मुझे तो अच्छे सूट करते थे, अब कर ही नहीं रहे. माय आउटफिट, टी शर्ट एंड जीन्स, दैट्स टी शर्ट. सो हम जा रहे हैं और मम्मी एक्टिवा से जाएंगे. एक्टिवा राइड इन देहरादून. हम गाय को रोटी देने भी जा रहे हैं गाइस. तो गाइस हमें नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, गाय माता दिख गई. क्या करी, क्या करी, मम्मी फेल बैड क्योंकि वो गाय एकदम से मम्मी पे घुर रही और मम्मी डर गई. मम्मी कह रही मेरी वाली गाय है तो अपनी मतलब मुझे जानती है अच्छे से, वैसे नहीं करती हैं, वो प्यार से खाने आ जाती हैं, तो उनको बुरा लग रहा है. सो गाइस हम मम्मी के फेवरेट पतंजलि आए थे, डॉक्टर तो मिले नहीं लेकिन ये ज़रूर मिल गए हैं, बाबा रामदेव, उनका सम्मान. और हम ऐसे ऑरेंज ऑरेंज ट्विनिंग हो रही है. मम्मी आ गई. क्या क्या आ रही है तुम्हारी शक्ल भी आ रही है. सो द अपडेट इज आई ड्रॉप ले लिया है इसके लिए बिकॉज रेडनेस आ गई है और डॉक्टर से काम नहीं हुआ. अब हम जा रहे हैं लेंस का सोल्यूशन ले रहे हैं. यहाँ तो नहीं मिला, आई थिंक आगे मिल जाए क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज थी. आज हम टेस्टिंग करने आए हैं भैया के यहाँ क्योंकि 20 तारीख को हमारा ओकेजन है. सो टुडे इज आवर टेस्टिंग डे. सो मामा अरे खिला गाइस, डोसा है तो बड़ा अच्छा टेस्ट तो है डोसे में जो भी बोलो. नाइस. बालाजी का तो खट्टा ज्यादा है. वही डोसे में बात कर लेकर आएगा अपनी भैया, हम डिस्कशन कर रहे हैं. आज हम दोनों आए रनिंग के लिए गाइस, एंड इट्स 9:30 अराउंड आई थिंक, और भाग रहे हैं, सड़कें खाली हैं, मज़ा आ रहा है बट मैं थक रही हूँ बहुत. पता नहीं क्यों आई थी मैंने वो डोसे की, आई थिंक वो जो 2 bites खाई हैं इट्स फुल ऑफ बटर, तो आई थिंक मेरा ना स्टैमिना कम हो गया.
ये रीजन हो सकता है ऑफ कोर्स, अदरवाइज नो वन कैन बीट मी। वैसे ही ऐसे अच्छा लगता है रोज, यू नो, फुल रोड पे रन करो, बट ऑफ कोर्स ये पॉसिबल नहीं है। कोविड था तो हो रहा था, बट अब तो ऑफ कोर्स इम्पॉसिबल है ये। हाँ, और अभी मैंने मास्क इसलिए उतार रखा है क्योंकि रास्ते पे कोई नहीं है, सब एक्टिव आस पे, मेरे नियर बाय कोई नहीं है। आके गया होगा तो बात अलग है, वैसे मैं डबल शॉट वैक्सीनेटेड हूँ तो रिस्क है, बट स्टिल घर जाके स्टीम कर लूँगी, व्हाट एल्स आई कैन डू, है ना। हर दिन गाइस आइसक्रीम ढूंढ रहे हो, मेरी आईज बहुत पेन कर रही है, कोई भी लाइट बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। पूछ भैया से, भैया शुगर फ्री आइसक्रीम, भैया शुगर फ्री आइसक्रीम है। अरे यार यार मंडी ला दी, ही इज लाइक नो लेफ्ट वाला, अनदर वन, भैया शुगर फ्री आइसक्रीम है, शुगर फ्री आइसक्रीम, शुगर शुगर फ्री नहीं, चल सब बेच ला दे दिया, अभी बेकार होता है सर। गाइस इतने सालों से पूछा लेकिन नहीं मिली, लेकिन यहाँ फाइनली मिल गई जब मैंने विंडो नीचे करके पूछा। आ रही है, मैंने इसको बोला 5-4 लेके आना, बोल रहा है अंजीर है अंजीर, मैंने 10 ले लिया। आई वाज लाइक चलो ओके ले आओ यार खा लेंगे, बहुत क्रेव कर रहा है वैसे भी। सो